हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीमन। स्वामी आत्मानंद हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला कोरबा से वैकेंसी आई है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें सैलरी थंबनेल में आप देख रहे हैं 38,100 मिलेगी। यहाँ पर सब्जेक्ट पीजीटी में भौतिकी, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रसायन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद टीजीटी में यहाँ पर आर्ट्स की वैकेंसी है, साइंस, मैथ की वैकेंसी और अंग्रेजी की वैकेंसी है। यहाँ पर टीजीटी में भी जो है 38,100 आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ टीजीटी में 35,400 सैलरी है। ग्रंथपाल की वैकेंसी है, सहायक शिक्षक यानी पीआरटी की जो वैकेंसी है 35,400 सैलरी दी जाएगी और सभी सब्जेक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बाकी डिटेल हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई फीस लगेगी। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। आपके जितने मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन आप लोगों ने 10th के बाद से लेकर बीएड तक आपने जितने मार्क्स गेन किए हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर सिलेक्शन होने वाला है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहले आप लोगों को रखा जाएगा, नोटिफिकेशन में बिल्कुल हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपकी पोस्ट को रिन्यू करेंगे अगर आपका काम जो है इनको सही लगता है तो। चलिए देख लेते हैं कौन कौन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्थावार, पदवार, संवर्गवार रिक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है। तो यहाँ पर पद का नाम है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रहेगा। व्याख्याता के सभी सब्जेक्ट की पोस्ट है। उसके बाद शिक्षक कला, शिक्षक कला यानी टीजीटी की पोस्ट है। नेक्स्ट जो है सहायक शिक्षक की पोस्ट है। कुल जो यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है 90 निकाली गई हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं। तो व्याख्याता के लिए यहाँ पर सैलरी 38,100 मिलने वाली है। स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, ये जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम में ही जो है अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड। नेक्स्ट उसके बाद जो है जैसे व्याख्याता संस्कृत है, हिंदी है, तो यहाँ इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी टीजीटी की पोस्ट के लिए सैलरी 35,400 मिलने वाली है। 35,400 यहाँ का है कि अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में जो है आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, बीएड मांगा गया है और यहाँ पर टीईटी टैट मांगा गया है। उसके बाद शिक्षक कला ये भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही है और एलिजिबिलिटी जो है सभी के लिए समान है। टीजीटी की पोस्ट के लिए सैलरी भी समान है। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 13 पर जो है अलग पोस्ट है प्रधान पाठक की, प्रधान शाला अंग्रेजी माध्यम, 35,400 सैलरी है। यहाँ पर न्यूनतम सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो, डीलेड या डीएड जो है आप लोगों ने कंप्लीट किया हो या इसके समकक्ष कोई प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण की हो। सहायक शिक्षक इंग्लिश मीडियम में सैलरी 25,300 है। यहाँ पर डीएड, डीलेड, बीएड और इसके अलावा साथ में टैट। सहायक शिक्षक ये सभी पीआरटी की पोस्ट है, सैलरी जो है वो 25,300 है। इंग्लिश मीडियम में ही जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है सहायक शिक्षक की। तो यहाँ पर जीव विज्ञान या मैथ में भौतिकी या रसायन विषय के साथ सेकेंड डिवीजन अगर आपने किया है इंग्लिश मीडियम से हायर सेकेंडरी तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रंथपाल भी इंग्लिश मीडियम ही चाहिए 22,400 और उसके बाद जो है यहाँ पर हायर सेकेंडरी आपने सेकेंड डिवीजन के साथ में और बी लिब आपने कंप्लीट किया हो, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पर संविदा भर्ती के लिए कुछ शर्तें हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ का ही मूल निवासी होना अनिवार्य है अभ्यर्थी को, यानी केवल छत्तीसगढ़ राज्य के ही जो है स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। एड्रेस रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, इसी में दिया हुआ है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के तहत ये वैकेंसी है कोरबा छत्तीसगढ़ और 22/9/2023 यानी आपके पास केवल एक ही दिन का समय है, कल 5 बजे तक। आज 21 है और कल 22 सितंबर है। स्पीड पोस्ट साधारण डाक भी चलेगा लेकिन साधारण डाक जो है वो अब नहीं पहुंचेगा तो आप लोग जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजें। एज जो है वो 21 से 40 वर्ष कही गई है। सिलेक्शन जो है आप लोगों का चयन जो है अंक के आधार पर होगा, 100 अंक के आधार पर आपके जो है 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर के अंक व्याख्याता के लिए देखे जाएंगे। उसके बाद टीजीटी के लिए 10th, 12th और स्नातक
ग्रंथपाल के लिए 10th 12th और बीलिप, ठीक है। उसके बाद जो है प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक साइंस, इसके लिए केवल 10th 12th देखा जाएगा। संविदा के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी, लेकिन राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर जो इसको बढ़ा सकती है कार्य क्षमता का आकलन करने के बाद। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसी को आप लोग डाउनलोड करेंगे और केवल स्पीड पोस्ट ही भेजें, क्योंकि समय जो है वो अब नहीं बचा है। तो मैं आप लोगों को मेन इसकी वेबसाइट दिखा देती हूँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट में ही आपको नजर आ जाएगा, सबसे ऊपर है ऑफिस कलेक्टर कम चेयरमैन स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश या हिंदी मीडियम स्कूल कमेटी कोरबा डिस्ट्रिक्ट कोरबा। तो यहाँ अंतिम डेट जो है वो 22 सितंबर है, और यहाँ पर व्यू पर आप लोग क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही मिल जाएगा। तो अभी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ से काफ़ी वैकेंसी जो है वो आ रही हैं, और भी स्टेट से जो है वो बिल्कुल आएंगी, और आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, जो भी अदर स्टेट के हैं ऐसी वैकेंसी आती रहती है, आप लोगों को इसलिए नहीं पता लगता है क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।